के अप्रशिक्षित शिक्षकों यानी अनट्रेन्ड शिक्षकों की बहाली के संबंध में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के अंतर्गत सेवा में कार्यरत नियोजित शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। खासकर ये निर्णय वैसे शिक्षकों को प्रभावित कर सकती है जिनकी बहाली अप्रशिक्षित शिक्षकों के तौर पर 31 मार्च 2015 के बाद हुई है। दरअसल उनकी नौकरी जाने का भी खतरा है। बता दें कि 2015 के बाद 17,000 उर्दू अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली की गई है। इसके अलावा भी 3,000 शिक्षक ऐसे हैं जो अब तक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए हैं। कुल मिलाकर कहें तो हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद 20,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर खतरे का बादल मंडराने लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के प्रमुख बिंदु जान लीजिए। जिनका भी प्रशिक्षण 8 अगस्त 2021 तक पूरा नहीं हुआ है उनको सेवा से मुक्त करने का आदेश है। वहीं वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई थी उनको चतुर्थ वर्गीय नौकरी देने का आदेश है। वहीं इसके अलावा 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त किए गए सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट के इस आदेश पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि 2015 के बाद बहाल हुए शिक्षक को सेवा मुक्त करने का आदेश शिक्षकों के हित में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय में सरकार को कोर्ट में बढ़िया से अपना पक्ष रखना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि जो भी अभी तक ट्रेंड नहीं हुए हैं उन्हें भी एक मौका जरूर